वर्ल्ड कप 2019 को लेकर भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम के चयन के लिए एमके प्रसाद अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय चयन समिति सोमवार यानी कि आज मुंबई में बैठक की और उन्होंने 15 खिलाड़ियों का चयन किया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई से होना है। इस बार मेजबानी इंग्लैंड टीम कर रहा है। भारतीय टीम की अगर बात करें तो विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, विजय शंकर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, दिनेश कार्तिक, इन 15 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इन 15 सदस्यीय टीम का कप्तान विराट कोहली को चुना गया, जबकि हिटमैन रोहित शर्मा को उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इंग्लैंड में अगले महीने शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम में विराट कोहली, रोहित के अलावा अनुभवी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को जगह मिली। उन्होंने 2011 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया था, तो 2015 में उनके कप्तान रहते हुए टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले गए महाकुंभ के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि सेमीफाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हार झेलनी पड़ी थी। इसी तरीके की लेटेस्ट खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस चैनल पर। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर लेटेस्ट चटपटी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।